क्या बोलूं, मतलब सीधा बोलना चालू कर दो अपने भाई के। भाई पीयूष के बारे में बस यही बोलना चाहती हूँ कि वो मुझसे जितनी भी लड़ाई करे तो बहुत अच्छा है। वो मेरे बारे में सोचता है और वो यू नो वो मेरे लिए आउट ऑफ द वे जाके चीजें करता है। और सबसे बेस्ट चीज ये है कि वो करता है और कभी भी जताता नहीं है। बट हाँ, वो बहुत ज्यादा लड़ता है। मुझे बस ये लगता है कि वो बहुत ज्यादा थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड है, बट अदरवाइज वो दिल का बहुत अच्छा है और वो बहुत सारी चीजें करता है मेरे लिए आउट ऑफ द वे जाकर। आई थिंक विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, बट अंदर से आई नो दैट यू नो दैट ही लव्स मी अ लॉट। चल जुट्टी। आप बताओ इसे हम कहाँ यूज करें? आप करोगे ना? जहाँ पे हमारी एंट्री करवाओगे वहाँ कर देना। सबके लिए तो कविता है, पर हमारे लिए बचपन से कोकू रही है। ऐसे भी मोमेंट्स रहे हैं जहाँ पे हम लोग की ना के बराबर भी बात हुई है, लेकिन मुझे बॉन्ड पता है जो इंटेंसिटी उसकी बचपन से रही है वही इंटेंसिटी आज भी हम शेयर कर रहे हैं। बोको का एक चीज मुझे अभी भी बहुत क्लियर है, जो एनर्जी लेवल उसका बचपन में था वो आज भी उतना ही है। आंखें काफी है डराने के लिए। उसको हाँ कूल करना भी बहुत इजी है, वो मान भी जाती है जल्दी से। और शी इज हेल लॉट ऑफ टैलेंटेड, उसमें जो टैलेंट्स है उसकी वो कोई बात नहीं, कोई भी चीज बोल राइट राइट वो कोको को ना आती वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। और आज दोनों को साथ में देख के लग रहा है हाँ दोनों मेड फॉर ईच अदर, मतलब परफेक्ट कपल, लाइक शिव पार्वती की जोड़ी। भैया के बारे में बताना है, पीयूष भैया के बारे में हमेशा सपोर्ट रहता है उनका, सारे छोटे भाई बहनों को भी, बड़े भाई बहनों को भी, सबको साथ में लेके चलने वाले हैं। कभी कभी गुस्सा कर देते हैं, कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं, उनको खुश करने का सबसे बेस्ट तरीका गुलाब जामुन। अभी तक तो रोना नहीं है आपको, कैसा आ रहा है? तो भैया पीयूष हमारा बहुत अच्छा, हमारी दिल का बहुत प्यार है, हमारी भाभी बहुत खुश रहेंगी, बशर्ते हमारी भाभी उसे शॉपिंग में ना जाए। भाभी तब तक खुश रहेंगी जब तक उनके साथ शॉपिंग, उसके साथ भाभी भी क्या दुकानें देखती हूँ जो पीयूष देखता है, करोड़ बाकी कोई ऐसी शॉप नहीं है जो पीयूष ने देखी ना हो। और मैकडॉनल्ड वाले तो उसको बाहर से पोस्टर लगा दिया, ये आदमी अंदर नहीं आना चाहिए। क्यों? वो मैकडॉनल्ड वाले से भी करता है ना, फिर मेरे में पनीर डालना। हम गए मूर्तल, मूर्तल में खाना खाने। हाँ भाई वो आदत बता देते हैं। चलो तो भाई खाना खाने बैठे, खाना आया, अब पीयूष में गए कि हर चीज़ में मीम मेक या चीज़ें निकालनी है ना। भाई पीयूष भाई साहब जी चौड़े नहीं भाई, चेंज होगा। और लकीली वहाँ का जो मैनेजर था वो निकल गया गढ़वाली। ओ भाई भैजी भैजी करके पीयूष उसकी ऐसी सारी भैजी ले आया भाई। उसने आधे घंटे उससे बात करी, टेबल पे खड़े होके मैनेजर था वो। हाँ उसके बाद उसने हमारी दो तीन आइटम हमने मंगाए तो उसने वो फ्री करवा दिए। पीयूष ना पहले मोटा था बचपन में याद है, हम दोनों कॉमन शादीज में मिलते थे। मैंने जितनी बार भी एंट्री की ना पीयूष डीजे पे नाच रहा था, पसीने पसीने मोटा मोटा गब्दू सा। हमारी पेमेंट ये आपके हो गए 15,000 पर हेड। हाँ
मिलके अपना सा तू लगा कैसे मैं करूं बयां तुमसे ये जुनून है या गुमान ऐसे मुझे तुम मिले जैसे कोई दिन खिले दिन खिले जाने का हम चले चाहे जो भी दिल करे तुझको तुझको ही चाहूं हमरा अब से मेरा तू हमरा मैं भी तेरा जिस राह भी जाऊं तुझको ही जाऊं हमरा अब से मेरा तू हमरा मैं भी तेरा हूँ।